हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ, तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ और अब वीडियोज़ अब जल्दी जल्दी आएंगी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा कि हम आज कीर्तन भजन और मंदिरों में ढोलक बजाना सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है जो उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो लोग ढोलक बजाने के जो उत्सुक होते हैं और जिनको शौक़ होता है बजाने का। जैसे कि ढोलक बजाना उनका प्रोफेशन नहीं होता, वो लोग घर पे अपना एक ढोलक खरीद लेते हैं, वो लोग अपना कोई और काम भी करते रहते हैं, लेकिन उनको एक अंदर से होता है कि हम भी ढोलक बजाना सीखे, कहीं पे दूसरों लोगों के साथ बजा पाए और ढोलक बजाने का आनंद ले पाए। स्पेशली मैं उनके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में इस टाइप की चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ जो कि जैसे कीर्तन भजन हो जाते हैं ना उस टाइप के, और जो आप भजन संध्या में भी आप बजा सकते हैं वो सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आरतियाँ आ गई और कुछ भजन आ गए, तो उन सब चीज़ों में जो हमारे मंदिरों में बजते हैं ना सबसे ज़्यादा आसपास के, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों को शौक़ होता है ढोलक बजाने का, वो लोग तो ये तो है नहीं कि वो बड़ी बड़ी जगह पे जा पाएंगे। सीधी सी बात है कि आसपास के मंदिरों में जाएंगे या फिर जान पहचान में कोई गाता बजाता होगा तो उनके पास जाके बजाएंगे, है ना। तो उन्हीं टाइप के लिए मैं लेके आ गया हूँ वीडियो। तो दोस्तों, मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि एक भजन मैं आप लोग को गा के सुनाऊँगा, गुनगुनाऊँगा, गाऊँगा, जिसमें मैं अच्छी तरीके से गाऊँगा नहीं, क्योंकि देखिए कि अगर मैं पूरा सॉन्ग मैं गा दूँगा तो वीडियो ख़राब हो सकती है। यूट्यूब से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वीडियो डिलीट हो जाती है अपने आप, अगर मैंने कोई दूसरे का गाना गा दिया तो, है ना। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग के लिए एक गाना गाऊँगा, उसके साथ बजा के बताऊँगा, और ये गाना लगभग कीर्तन भजनों में बजता ही बजता है, है ना, और इसी तर्ज पे बजता है। और इसके अंदर जो ताल बजे हैं ना, वो 90% गानों पे बजाए जाते हैं जो इसके अंदर, जो मैं आज बजा के बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, आरतियों पे सबसे ज़्यादा हमारे जो कीर्तन भजन होते हैं तो आरतियों पे सबसे ज़्यादा बजाया जाता है ढोलक, तो आरतियों पे भी मैं सिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी लगभग जितनी भी आरती होती है ना, सारी की सारी आरती की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, है ना जी। तो इन सब चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ। तो एक छोटा सा भजन है जो मुझे बहुत दिल से प्यारा लगता है, उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं जब भी मैं कहीं पे बजाने जाता हूँ तो लगभग 90% लोग ये भजन गा ही देते हैं। तो देखिए वो क्या है, एक भजन है, थोड़ा सा अगर गलती हो गाने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं गाता बजाता हूँ लेकिन गाता नहीं हूँ मैं, है ना जी। तो कुछ गलती हो तो, और वर्ड में कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए वो गाना ऐसे है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो मेरा दरा दरा दरा, सिर पे रख दो पापा, मेरे सिर पे रख दो पापा, ये अपने दोनों हाथ, देखा इसमें कि मैंने शुरुआत में कहरवा ताल बजाया, सबसे सिंपल वाला, और मैं पिछली वीडियोस में बताते भी आ रहा हूं, और फिर इसमें मैंने दोगुन लगाया। केवल आप लोग को दो चीज सीखना है, बहुत कहरवा ताल के तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आप लोग को दिमाग लगाना है। अगर मान लीजिए आप लोग घर पे बैठ के ढोलक सीखते हैं तो आपको दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए नहीं सीखेंगे आप, अगर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, और अगर आप दिमाग लगा के मेहनत नहीं कर रहे तो मेहनत बेकार तो नहीं होती, वो आपको फायदा तो देती लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर आप वह भी दिमाग लगा के करते हैं तो जल्दी मात्रा में आपको फायदा होता है। देखिए, आपका सबसे पहला गोल ये होता है कि कोई भी भजन गाए आपके सामने तो आप उसके साथ बजा पाए। अब उसके लिए आपको वो वैसा ही कहरवा ताल सीखना पड़ेगा। कहरवा ताल तो बहुत सारी वीडियोज पड़ी है जो आपको भटकाती हैं, मेरी वीडियोज भी आपको भटकाती हैं, क्योंकि अनेकों प्रकार की वीडियोज आपके सामने तो आएंगी ही आएंगी, है ना, वो आपको भटकाएंगी। लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि सबसे पहला चीज आपको सबसे आसान कहरवा ताल कौन सा लगता है, और मुझे पता है कि सबसे आसान कहरवा ताल आप लोग के लिए क्या होगा, और वही कहरवा ताल मैं बजाता भी हूँ।
इसके अंदर धिट धीना भी बज सकता है, धाति तनक धीना भी बज सकता है, लेकिन मैं सबसे आसान वाला कैरवा मैंने बजाया और ज्यादातर यही बजता है जो आज मैं सिखाने वाला हूँ, वो कैरवा ताल और एक दोगुन ताल। दो चीज मैं बताने वाला हूँ, कैरवा और दोगुन, ये दो चीज मात्र सीख लीजिए आप अगर कीर्तन भजन में। बस उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा बुलाया जाता है जो लोगों को नचा देता है, तो कहरवा ताल एक आना चाहिए और एक दोगुन ताल आना चाहिए। दोगुन ताल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहरवा और दोगुन समझा दूंगा, और बीच में जो उठान लगते हैं, तिरकिट लगती हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए बाद की बात है, उसकी वीडियोज़ मैं नीचे दे दूंगा। जिनको तिरकिट और उठान सीखने हैं ना, उसकी वीडियोज़ मैं नीचे दे दूंगा, वो सीख सकते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ आपको सीखनी है, एक तो कहरवा ताल और एक दोगुन ताल। और वो कहरवा ताल मैंने क्या बजाया, एक पहले तो तकिट तकिटता बजाया, वो सारी चीज़ों की वीडियोज़ मैं दे दूंगा नीचे, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डिस्क्रिप्शन कैसे खोला जाता है, तो आप लोग जान जाएंगे डिस्क्रिप्शन कैसे खोला जाता है ना, तो नीचे लिखे हुए लिंक मिलते हैं वहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम अपना कहरवा ताल सीखते हैं। इसके अंदर मैंने कहरवा ताल क्या बताया बजाया, दो टाइप के कहरवे ताल होते हैं, एक तो धिन ताता तीघ धाता और एक धिट ताता तीधी धाता, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए ये देखिए, तो धिन ताता तीघ धाता पहले बजाता हूँ, और सबसे जरूरी बात ये दोनों ताल ही बजाए जा सकते हैं। अभी जो मैंने गाना गाया, जैसे कि दोनों में फर्क करके दिखाता हूं, पहले ताल में फर्क देखिए, धिन ताता ती ग धाता, और दूसरा पैटर्न धिट ताता ती धी धाता, धिट ताता ती धी धाता, है ना। तो इन दोनों में आप लोग को फर्क समझ में आया होगा, फर्क क्या था, एक तो टिट ताता करके बज रहा है और एक ती ताता करके बज रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, धिट ताता और धिन ताता। अब देखिए गाने के साथ मैच करके बताता हूँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना हो तो, ये थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा, ये पैटर्न फास्ट के लिए होता है। और ये देखिए दूसरा वाला देखिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, में आप लोग को भरावट नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये ताल आपको जल्दी से समझा देता हूं, धिट ताता तीधी धाता, है ना। इसके भी लिंक दे दूंगा, मैंने दोनों को एक साथ समझा भी रखा और इसके महत्व समझा के नीचे लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं आप। अब देखिए धिट ताता तीधी धाता, धिट ताता तीधी धाता, बोल लिखे हुए आप लोग को मिल गया होगा। अब देखिए इधर से देखिए, अब इसमें आपको घिस्से का ध्यान देना होगा, अगर आप घिसका नहीं आता तो आप खुला मार सकते हैं, जहां पे मैं घिस्सा बताऊंगा ना, अगर घिस्सा ना लगे आपसे तो खुला मार के बजाएंगे तब भी काम चल जाएगा। देखिए धिट, ये देखिए घिस्सा, धी ट ता ता, इतना समझे, आधा हो गया ये, धी ट ता ता, फिर उसके बाद ती धी, पहली उंगली से धी बजेगा, ती धी धाता, बस धिट ता ता ती धी धाता, धिट ताता 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 ती धी धाता, है ना, धिट ताता ती धी धाता, समझ गए होंगे। समझ में ना आए तो इसको स्लो स्लो करके आप देख सकते हैं। धिट ताता केवल ये एक पैटर्न सीख लीजिए, और दूसरा दोगुन ताल, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, गा के और बजाना थोड़ा मुश्किल होता है ना जी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल की बात है। ये तो मैं, ये सभी को मैं कहता हूँ कि खुद से गा के खुद से बजाए कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज आएगी। ये मैं खुद से, मैंने अभी कुछ दिनों पहले से मैंने स्टार्ट किया गा के बजाना, तो इससे ज़्यादा फायदा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ बजाएं तो बजाते बजाते रह जाएंगे, इससे ज़्यादा नॉलेज आती है अगर आप खुद से गा के बजाते हो। तो कोशिश करिए कि खुद से गाना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कैसे बज रहा है, देना हो तो देखिए। दोगुन भी कई प्रकार के होते हैं, ये एक उंगली से बजने वाला और एक, लेकिन मैं ये दोगुन कोई भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा क्या बताता हूं आप लोग को बजाने के लिए, ये क्यों बजाता हूं, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप कहीं भी कीर्तन भजन में बैठते हैं तो आपको ऐसा ताल चाहिए होगा जिसके अंदर दम ज्यादा हो, है ना, दम ज्यादा और भरावट वाला ज्यादा लगे। अब ये देखिए समझ में आ गया होगा, भरावट वाला सबसे ज्यादा भरावट वाला कौन सा है।
तो कीर्तन भजन में अगर आप बैठते हैं, कोई बड़ी जगह नहीं है, पैड वैड आपके साथ नहीं बज रहा, तो आपको ये बजाना है, ये भरावट वाला लगेगा और बांध के रखता है ना। तो अब ये देखिए इस चीज को सीखते हैं कैसे बजता है ये। धा तीनक घिट धा, धा तीनक घिट धा, तीनक घिट धा, तीनक घिट। ये मैंने तो अभी दिखाया, अभी सिखाता हूं अच्छे से, इधर से दिखा के देखिए, इधर से देख के सीखिए। देखिए धा ती, इसमें घिस्सा भी बहुत जरूरी है, घिस्सा इसमें बजाना। अगर घिस्सा नहीं आता तो कोशिश कीजिए लगाने की, नहीं तो बिना लगाए भी बजा सकते, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। जब तक घिस्सा नहीं लगेगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कैसा बज रहा है, धा ती ना क घी ट। देखिए धा ती ना क, पहली उंगली से, फिर उसके बाद घी ट, बस इतना ही है। फिर से देखिए, धा ती ना क घी ट, धा ती ना क घी ट। देखिए धा ती ना क घी ट। अब देखिए ये दो पैटर्न तो आपके क्लियर हो गए। अब मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये केवल दो पैटर्न से हमारे सारे कीर्तन भजन निकल जाएंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों इसका जवाब तो सीधी सी बात है, अगर आप कहीं बड़ी जगह पे जाएंगे तो नहीं निकल सकता। अगर छोटी मोटी जगह पे आप बैठे हैं, कीर्तन भजन वाले लोगों के साथ बैठे हैं, तो उनसे आप बोल भी सकते हैं कि भाई जी ये भजन आप गाना, इस भजनों पे हमें आता है। तो कहरवा ताल पे तो हजारों भजन है, पूरा प्रोग्राम निकल जाता है कहरवा में। और क्या होता है कि अगर कहीं थोड़ी बड़ी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे कहरवा ताल, दादरा ताल, झप ताल, दीप चंदी और कई प्रकार के ताल बजाए जाते हैं। लेकिन कीर्तन भजन में एक कहरवा बजता है, फिर दोगुन बजता है, और दोगुन दादरा में भी बज जाता है। ये भी आप लोग को पता नहीं होगा, अगर आपको लगे कि दादरा बजाना नहीं आ रहा तो उस गाने पे आप दोगुन लगा दीजिए फटाक से, है ना, तो वहाँ पे काम कर जाएगा। और दूसरी चीज कि आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कई प्रकार के भजनों पे कैसे बज सकता है ये सब दोगुन, तो दोस्तों मैं एक आध भजन पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक गाना मैंने बहुत पहले गाया था, सीताराम 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 जपिए, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, शायद किया होगा तो अगर मैं वीडियो पे लिंक दे दूंगा, नहीं तो ये इस पे एक वीडियो आएगी जरूर। देखिए सीताराम 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 जपिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम ना 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 बजा के बताया, खुद से गा के बजाने में एक बार फिर बताता हूँ कि अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है खुद से गा के बजाने की, तो गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए कि अब खुद से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है, मैंने सीधे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोगों ने दो चीज़ समझी कि ये सीधी सी बात है कि कोई सा भी गाना आता है तो दोगुन लगना ही लगना है। तो ये दोगुन मैंने समझा भी रखे हैं, और दोगुन के कई प्रकार के प्रकार भी होते हैं, दोगुन के भी कई, जैसे कि प्रकार है, और देखिए और दूसरा प्रकार, देखिए कई प्रकार है दोगुन के, तो उसकी भी वीडियो मैं दे दूंगा नीचे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात रह जाती है कि अगर कोई भी कीर्तन भजन बजता है आपके इधर, तो वहां पे आरती का बजना अनिवार्य है। कहीं भी जाएंगे तो शुरुआत में आरती होगी होगी, गणेश भगवान की आरती हो जाए, और अंत में आरती होनी आवश्यक होती ही होती है। तो आपको आरती आरती में तो बजाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आरती में आपको बजाना नहीं आता तो शुरुआत में ही आप लुढ़क जाएंगे, बीच में क्या बजाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर पूरे आरती भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उसको कवर करना मुश्किल है, उसके अंदर बहुत सारे ताल बजाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है 10 से 12 मिनट की, उसके अंदर आरती के 4-5 ताल बता रखे हैं, और नीचे जाके वीडियो पे देखिएगा आरती पे ढोलक कैसे बजाई जाए।
तो उस पर आपको सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगी आरती पे ढोलक बजाना सीखे, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप आरती वाली वीडियो पे चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी छोटी सी ट्रिक से आप सीख जाएंगे, एक 10 मिनट की वीडियो में आप नहीं सीख सकते। अगर आपको सच में सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा ढोलक के अंदर, डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप ढोलक सीख पाएंगे। ये सोचेंगे कि एक वीडियो देख ली, अब एक वीडियो आप मेरी आपने ये देखी, इसके अंदर दोगुन ताल मैंने सिखाया और कहरवा ताल सिखा। अगर इस वीडियो को ही अगर आप 10 से 15 दिन लेके बैठ जाते हैं तो गारंटी के साथ आप ये बजाने लग जाएंगे। 10 दिन के अंदर तो ये नहीं है कि आप उस्तादों की तरह बजाने लग जाएंगे, मेरी तरह बजाने लग जाएंगे, नहीं बजा पाएंगे। ये है कि आप बजाने जरूर लग जाएंगे, टूटा फूटा बजाएंगे लेकिन बजाएंगे, लेकिन टूटे फूटे से ही तो अच्छी अच्छी चीज़ों पर पहुँचा जाता है, एक एक करके तो ऊपर जाएंगे आप, है ना। तो यही चीज़ होता है इस इन सब चीज़ों के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगा कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा कि कीर्तन भजन में इधर उधर कैसे ढोलक बजाया जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।